अफगानिस्तान में तालिबान अब अपना पुराना चेहरा दिखाने लगा है। तालिबानियों ने काबुल हवाई अड्डे के पास से करीब 150 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब सारे भारतीय वापस एयरपोर्ट लौट रहे हैं। तालिबान ने सभी लोगों को पासपोर्ट की जांच के बाद रिहा कर दिया है। अफगानी मीडिया के मुताबिक तालिबानी अपहरणकर्ताओं ने करीब 150 लोगों को पकड़ लिया था और एयरपोर्ट के पास से ही स्थित गैराज में ले गए। उनसे कहा गया कि सभी लोगों को काबुल एयरपोर्ट फिर से ले जाया जाएगा। अपहरण किए गए ज्यादातर लोग भारतीय थे, लेकिन उनके साथ अफगान नागरिक और अफगानिस्तान में रहने वाले सिख भी शामिल है। भारतीयों को पीटे जाने की भी खबर है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच तालिबान ने अफगान मीडिया से बातचीत में भारतीयों के अपहरण की खबर का खंडन किया। इन सभी लोगों को आज सुबह काबुल स्थित हामिद करजोई एयरपोर्ट के पास से अपहरण किया गया था। एक सूत्र ने अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया काबुल नाउ को बताया कि वह पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ किसी तरह से बच सका। उसने बताया कि वे सभी 8 मिनी वैन में बैठे थे और उस समय सुबह के 1 बज रहे थे। ये लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे घुस नहीं पाए। इसके बाद तालिबानियों का एक गुट आया और वे उन्हें ताराखिल ले गए, जो काबुल के पूर्व में स्थित है। इस दौरान भारतीयों की पिटाई भी की गई। सूत्र ने बताया कि वे मिनी वैन के शीशे खोलकर कूद गए और किसी तरह से अपनी जान बचाई। तालिबान ने भारतीयों से कहा कि वे उन्हें दूसरे गेट से ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक दल काबुल एयरपोर्ट के बाहर अभी मौजूद है। ये अधिकारी फंसे हुए भारतीयों की मदद कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय पर हो रही है जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं। अफगानिस्तान में कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। भारत काबुल से अपने लोगों को निकालने के अभियान में लगातार जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।